श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आज आपके साथ में चैप्टर 6 का टेक्स्ट 30 शेयर करना चाहूंगा। तो श्लोक कुछ ऐसे है, वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड सीज एवरीथिंग इन मी, आई एम नेवर लॉस्ट नॉर इज ही एवर लॉस्ट टू मी। फ्रेंड्स, अब हिंदी में पढ़ते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और जो सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछले श्लोक में समझा था कि जो हाईएस्ट लेवल के डिवोटीज होते हैं, योगीज होते हैं, वो हर जगह भगवान की प्रेजेंस को देखते हैं। अब भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जो मुझे हर जगह देखता है, ना तो कभी उसका मुझसे कनेक्शन लूज होता है, मिस होता है, और ना वैसे वर्षा, मतलब दोनों तरफ से भगवान भी उसके साथ 100% जुड़े हैं, तो वो भी डिवोटी भी 100% जुड़ा है। फ्रेंड्स, बेसिकली जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, लेकिन हमें अगर ये ना पता चल हो कि 3D भी कुछ मूवी होती है और हमने 3D वाले ग्लासेस ना लगाए हो, तो क्या आपको लगता है कि हम 3D का एक्सपीरियंस कर पाएंगे? हमें तो धुंधला धुंधला दिखेगा कुछ, राइट? तो वैसे ही फ्रेंड्स, डिवोशन में भी जब चश्मे लगते हैं, जो डिवोशन के चश्मे होते हैं बेसिकली, और वो डिवोशन के चश्मे हमें कैसे मिलेंगे? जब अपनी ज़िंदगी में हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके अपने आप को प्योर बनाया होगा, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रख के अपने आप को पॉजिटिविटी में लगाया होगा, समाज कल्याण में लगाया होगा, भगवान की सेवा में लगाया होगा। जितना जितना हम ये करते चलेंगे, उतने ही बढ़िया क्वालिटी के ग्लासेस हमें मिल जाएंगे, और वो वैसे ग्लासेस हैं जिससे एक्चुअली हम अनुभव करना शुरू कर देंगे भगवान की प्रेजेंस को, और भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं अपने डिवोटी के साथ। तो जितना प्यार और जितनी सेवा का भाव आप लेके चलोगे, उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करके भगवान भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आपकी लाइफ में डिवाइन एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएंगे, दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग इस रास्ते में लॉजिक से समझना चाहते हैं फ्रेंड्स, बट लॉजिक से हम ये बातें नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर एक चीज़ में। बिना प्रैक्टिस के क्या आप समझ सकते हो किसी भी चीज़ को? सेम इज ट्रू इन पाथ ऑफ डिवोशन। प्रैक्टिस कीजिए और भगवान के रास्ते में आगे बढ़िए, एंड देन यू रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी एंड हिज मर्सी ऑल अराउंड यू। ये लोग बोलते हैं कि भैया भगवान है कहाँ? बट सच में जब डिवोशन में कोई आगे बढ़ जाता है, तो वो ये पूछता है, ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ भगवान नहीं है। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।